मुंगेली जिले के जरहा गांव स्थित ग्रामीण बैंक प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अव्यवस्थित तरीके से विद्युत सप्लाई की जा रही है, जिसके चपेट में एक मवेशी की मौत हो गई है। तो वहीं ग्रामीणों ने इस लापरवाही पर जमकर नाराजगी जाहिर की है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार रोका छेका अभियान चला रही है, जिसे आवारा मवेशियों को रोक कर निश्चित जगहों पर रखा जा सके और किसानों का फसल बर्बाद ना हो सके, लेकिन मुंगेली जिले के जरहा गांव में मवेशियों को खुला छोड़ दिया जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर दुर्घटना होने की संभावना के साथ ही फसलों को काफी मात्रा में नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वही जरहा गांव स्थित ग्रामीण बैंक प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही भी इस दौरान सामने आई है, जहां बैंक के गेट के पास लगाए गए अर्थिंग तार के चपेट में आने से आवारा घूम रहे गांव के एक मवेशी की करंट लगने से मौत हो गई है। इस पूरे मामले पर बैंक प्रबंधन द्वारा खुद की लापरवाही पर पर्दा डालते हुए जानवर मालिक को इस घटना के जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि लापरवाही पूर्वक बैंक प्रबंधन द्वारा विद्युत सप्लाई की जा रही है, जिसके जानवरों के अलावा आम लोगों के भी जान को खतरा है। बहरहाल ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द अगर बैंक प्रबंधन द्वारा अव्यवस्थित तरीके से सप्लाई की जा रही विद्युत कनेक्शन में सुधार नहीं किया गया तो स्थानीय लोगों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। मवेशियों पर लगाम लगाए जाने के लिए जहां छत्तीसगढ़ सरकार रोका छेका अभियान चला रही है, तो वही मुंगेली जिले के जरहा गांव में मवेशियों को खुला छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होने की संभावनाओं के साथ ही फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा है। वहीं जरहा गांव ग्रामीण बैंक प्रबंधन की एक और बड़ी लापरवाही इस दौरान सामने आई है, जहां बैंक के गेट के पास लापरवाही से अर्थिंग के बिजली के तार लगाए गए और तार की चपेट में आने की वजह से एक आवारा मवेशी की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। इस पूरे मामले पर बैंक प्रबंधन अपनी लापरवाही पर पर्दा डालते हुए जानवर मालिक को ही जिम्मेदार बता रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि लापरवाही बैंक प्रबंधन की है, इससे जानवरों के अलावा आम लोगों को की भी जान को खतरा बना रहता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर बैंक प्रबंधन समिति के द्वारा अगर अर्थिंग लगाई गई है या विद्युत प्रवाहित के लिए व्यवस्था के लिए वो बिजली की व्यवस्था की गई है, तो ये सारी जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की ओर से जाती है, और अगर कहीं मकान मालिक के द्वारा भी अगर लगाया गया होगा तो वो भी जिम्मेदारी मकान मालिक।